साथियों डेट याद रखिएगा 8 अगस्त 2023। जी हाँ, मैं डेट रिपीट कर रहा हूं, 8 अगस्त 2023 दिन मंगलवार का सुबह 10 बजे तक आप रामला मैदान पहुंच जाइए और अपना कर्जा मुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लीजिए। ऐसे सभी लोग जो कर्जे की दलदल में फंसे हैं, नोटबंदी के कारण, जीएसटी के कारण, लॉकडाउन के कारण, व्यापार बंद हो जाने या नौकरी छूट जाने के कारण, कमाई का कोई साधन ना रहने के कारण या कमाने वाला ना रहने के कारण, अगर कोई व्यक्ति कर्जे की दलदल में फंस गया और वो कर्जा नहीं चुका पा रहा है तो निःशुल्क कर्जा मुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले। ये प्रमाण पत्र आपको बहुत जगह काम आएगा, बहुत मदद करने वाला है। जब भी सरकार कर्जा माफ करेगी, जब भी आपको बुलाया जाएगा, ये प्रमाण पत्र इस बात का सबूत होगा कि आपने कर्जा मुक्ति के लिए आवेदन किया हुआ था। अभी बहुत सारी जगह पर जब हमने फाइल नंबर देना शुरू किया तो लोग जिनके केस चल रहे हैं कोर्ट में, वहां जब जज साहब के सामने बताया कि साहब मेरी फाइल वित्त मंत्रालय गई है और ये मेरा फाइल नंबर है, तो जजों ने पूछा कि कोई प्रमाण है आपके पास, कैसे मान लें आपका फाइल नंबर है, तब हमें लगा कि हमें प्रमाण पत्र देने चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि हाँ वाकई वो लोग सच बोल रहे हैं। और प्रमाण पत्र आपकी मदद करेगा, बैंक में भी आपकी मदद करेगा, साहूकार से मदद करेगा। आप आरबीआई को लेटर लिखिए, उसमें प्रमाण पत्र लगाइए, आप प्रधानमंत्री कार्यालय को लेटर लिखिए, उसमें प्रमाण पत्र लगाइए, वित्त मंत्रालय को लेटर लिखिए, बैंक को अपनी स्थिति के बारे में बताइए, साथ में प्रमाण पत्र लगाइए कि मैंने कर्जा मुक्ति के लिए आवेदन किया। जिन लोगों का कोर्ट में केस चल रहा है वो वहां जज साहब से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर मैंने कर्जा मुक्ति के लिए आवेदन किया है, मेरी फाइल प्रधानमंत्री कार्यालय गई है।